बॉटनी ऑप्शनल पेपर वन एंड द यूनिट इज फर्स्ट यूनिट दैट इज द माइक्रोबायोलॉजी एंड प्लांट। Hello students, how's you? I hope you all are well and we are here to discuss botany optional paper 1 and the unit is first unit that is the microbiology and plant pathology in which we were discussing about the viruses. We discussed about the in brief about the viruses, about the animal viruses, about the plant viruses, what are the bacteriophages, and today in this class we are going to discuss about the viroids. So aaj hum viroids ke bare mein padhenge. वायरॉइड्स के बारे में हम क्या क्या पढ़ने जाएंगे आज आज हम पढ़ेंगे डिस्कवरी ऑफ वायरॉइड्स, स्ट्रक्चर कैसा है वायरॉइड्स का, कैसे वो मल्टीप्लाई करते हैं और कैसे वो उनको कंट्रोल किया जा सकता है। सो लेट्स डिस्कस। अब हमने वायरसेस पढ़ा था। वायरसेस आर ए सेलुलर, नाइदर दे आर लिविंग नाइदर दे आर नॉन लिविंग। दे आर ए सेलुलर मीन्स दे आर द बाउंड्री ऑफ लिविंग एज वेल एज द नॉन लिविंग। सो दीज वायरॉइड्स आर दी सब एजेंट्स। ये क्या है? सब एजेंट्स है। दीज आर दी स्मॉलर देन दी वायरसेस एंड दे आर स्मॉलर होंगे। सो अब वायरसेस के पास क्या होता है? दे हैव दी प्रोटीन कोट एंड दी न्यूक्लिक एसिड। इट कुड बी डी एन ए और इट कुड बी दी आर एन ए। बट द वायरॉइड्स हैव ओनली दी जेनेटिक मटीरियल That is your RNA, जो हमारे वायरसेस होते हैं उनके पास तो होगा प्रोटीन कोट एंड दी जेनेटिक मटीरियल, टू कंपोनेंट्स। बट वायरस हैव ओनली दी जेनेटिक मटीरियल दैट इज दी RNA. सो दे आर दी सिंगल स्टैंडर्ड RNA मॉलिक्यूल्स एंड दे आर इन्फेक्शियस। दे काउज डिजीज एंड दे काउज डिजीज टू प्लांट्स। सो दैट्स वाई दे आर ऑल्सो नाउन एज दी सब वायरल agents and their structure is simpler than the viruses. And you should know about this thing that in a virus your genetic material counts the 5% weight of the whole virus and protein coat accounts the 95% of the weight of the virus. So your viroids counts only the 5% weight of the viruses. So they are very small and they are obligate intracellular parasite, means they always host for multiplication. They cannot infect any, you can say host. They are non-living outside the host, means obligate kya hai, necessary. Agar inhe infection karna hai to inhe kya chahiye, host chahiye hi chahiye. So that's why they rely on the multiplication of the host cell. If they want to multiply, they rely on the host cell. Now, who discovered the viroids? So viroids was discovered by the in 1971, that is the Theo Danier. The pura naam kya hai? Theodore Otto Danier. And Theodore Otto Danier identified the viroids in the पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर वायरॉइड्स। सो उसमें किसने देखा था? आलू में देखा था। हम खाते हैं आलू, उसमें उसने फर्स्ट टाइम जो है वायरॉइड्स को ऑब्जर्व किया था, यू कैन आइडेंटिफाई किया था। एट प्रेजेंट हाउ मेनी स्पीशीज ऑफ वायरॉइड्स हैज बीन आइडेंटिफाइड? ओनली 33 वायरॉइड स्पीशीज हैज बीन आइडेंटिफाइड। और भी मैनी मोर हैं जो डिस्कवरी है उनकी। नाउ द स्ट्रक्चर्स, लेट्स ऑब्जर्व द स्ट्रक्चर ऑफ द वायरॉइड्स। आई टोल्ड यू दे आर द सिंगल स्टैंडर्ड, बट The viroids are circular molecules of the RNA and there is no protein. इनके पास क्या है? कोई भी proteins present नहीं होता है। And that's why if we observe these viroids under the microscope, so they appear 40 nanometer long. क्या होंगे? 40 nanometer long होंगे, as well as the 2.2 nanometer क्या होंगे ये? थिक होंगे। और जो साइज है दैट इज रेंजेस बिटवीन दी हाउ मेनी न्यूक्लियोटाइड्स आर प्रेजेंट, 246 टू 370 न्यूक्लियोटाइड्स आर प्रेजेंट। एंड जो मोस्ट ऑफ द आरएनए होते हैं वो क्या होते हैं?
अनपेयर्ड होते हैं, बट इसमें क्या होगा, कुछ रीजन होंगे, वो क्या होंगे, डबल स्टैंडर्ड होंगे, वो क्या होंगे, उसमें पेयरिंग प्रेजेंट होगी। और जो मॉलिक्यूलर वेट है दैट इज अबाउट टू 107000 एंड 12700 डेल्टन के बीच में क्या रहेगा, इनका वेट रहेगा। नेक्स्ट है कि जो स्मॉलेस्ट वायरॉइड्स है दैट इज अबाउट टू 220 न्यूक्लियोटाइड्स। तो यहाँ पे क्या देखा था कि हमने 246 से 370 के बीच में हो सकता है, बट जो स्मॉलेस्ट है दैट इज द 220 न्यूक्लियोटाइड ऑफ द scRNA. What is the SC? That is the small cytoplasmic RNA. और they scientists observed this smallest viroid into a rice yellow motile sebum virus. It is the RYMV is reported. So rice में सबसे पहले observe किया गया था the smallest viroids, उसका क्या नाम है, yellow motile sebum viruses. चले आगे, yes. So let's discuss about the potato spindle tuber viroids. So H.G. Gross et al. Et al. का क्या मतलब होता है? His colleagues, his friends sequenced the nucleotides of the potato spindle tuber viroids in the 1978. जो H.G. Gross थे और उनके जो colleagues थे, उन्होंने first time जो था potato spindle virus को viroids को क्या किया था? Sequence किया था in the year of the 1978. And how many nucleotides are present in the viroids? That is the 359 ribonucleotides, not the not DNTP, it's a ribonucleotide because we are talking about the RNA. Viruses ke paas kya present hoga? RNA mostly present hota hai and it has numerous intramolecular base pairing. Inke paas kya hoga? Intramolecular base pairing present hogi, jo isko kya karegi? Stability provide करेगी। और जो हमारा पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर वायरॉइड्स है, उसका जो स्ट्रक्चर है वो डंबल शेप की तरह रिजेंबल करेगा। उसका स्ट्रक्चर कैसे रिजेंबल करेगा? डंबल शेप की तरह। सो और उसके पास जो होते हैं अलग अलग रीजंस प्रेजेंट होते हैं, उनको हम क्या कहेंगे, फंक्शनल रीजन प्रेजेंट होते हैं, उनको हम क्या कहेंगे, डोमेन्स कहेंगे। सो यू कैन सी दी स्ट्रक्चर्स, दिस इज दी, दीज आर दी डिफरेंट डिफरेंट डोमेन्स जो अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करेंगे। लेफ्ट टर्मिनल पैथोजेनिसिटी डोमेन, सेंट्रल रीजन, कंजर्व्ड रीजन, सेंट्रल कंजर्व्ड रीजन, वेरिएबल डोमेन, राइट टर्मिनल डोमेन एज सच। सो यू कैन सी दिस इज अ डंबल शेप। कैसा है ये? डंबल शेप है। नेक्स्ट चलते हैं कि द स्ट्रक्चरल डोमेन्स आर रिलेटेड टू अ स्पेसिफिक फंक्शन। जो स्ट्रक्चरल डोमेन्स है ये सब क्या है, ये परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन क्या करेंगे, परफॉर्म करेंगे। When it comes to the conserved central domain, जो conserved central domains है, the mainly upper stand is involved with the cleavage and the ligation of the RNA. जो upper stand होगा वो क्या करेगा? Cleavage करेगा और cleavage and ligation, तोड़ेगा और जोड़ने का काम करेगा of RNA. So you can see these all potato are the infected with the PSTV, potato spindle tuber वायरॉइड्स से ये क्या है, इन्फेक्टेड है। नाउ व्हाट आर द डाइवर्सिटी ऑफ द वायरॉइड्स? सो दे आर अबाउट 40 प्लांट्स डिजीज आर कॉज्ड बाय द 40 डिफरेंट वायरॉइड्स एंड देर आर टू ग्रुप्स ऑफ द वायरॉइड्स। वन इज द एब्सेंट वायरॉइड्स एंड अनदर इज द पॉस्पी वायरॉइड्स। वन इज द एब्सेंट एंड अनदर इज द पॉस्पी वायरॉइड्स। नेक्स्ट डिस्कस अबाउट दिस टू। नाउ जो एब्सेंट वायरॉइड्स होंगे, जिसको हम इन शॉर्ट फॉर्म में क्या कहेंगे, ए एस बी डी ग्रुप और ग्रुप ए। जो ये वायरॉइड्स होते हैं द ग्रुप ऑफ दिस लैक द कंजर्व्ड सेंट्रल रीजन। जो हमने सिंपल वायरॉइड्स में देखा था, दिस एब्सेंट डू नॉट कंटेन दिस सेंट्रल कंजर्व्ड रीजन एंड दिस ग्रुप हैज ओनली 4 वायरॉइड्स। इसकी जो सब क्लास होंगी उसमें कितने वायरस कंटेन है, दैट इज द 4, including avocado sunblotch virus as well as the peach latent mosaic virus are the some examples of the absent viroid. Second class, okay, absent viroids जो है replicate कहाँ करते हैं? Chloroplast में करते हैं। Whereas PosPi viroids कहाँ replicate करेंगे? Nucleus में और nucleolus में। Nucleolus is the site of the formation of the rRNA. नाउ पैथोजेनेसिटी की अभी तक जो है 40 वायरॉइड्स जो है वो डिजीज काउज करते हैं इन 40 प्लांट्स में एज दी। सो व्हाट आर दी सम डिजीज? केडाइन डिजीज ऑफ द कोकोनट
potato spindle tumor disease, as well as the citrus exoticos, exocortis, as well as the avocado sun blotch, apple scare skin, chrysanthemum stunt. So let's see the pictures of this. This is the potato spindle tumor disease. Second, we have the kedang disease of the coconut. Next is the citrus exocorticus. This is the citrus exocorticus. Third, we have the avocado sun blotch disease. Next, we have the apple skin scare disease that is caused by the viroids. Last, we have the chrysanthemum stunt that is caused by the viroids. Now, jo pathogenicity hai, that is determined by the terminal and the pathogenicity domains of the viroids. Jiska jo terminal end hai aur pathogenicity domain hai, wo kya karega iski pathogenicity, kitne wo infect karenge plant mein, kaise wo infect karenge plant mein, wo kaun determine karega terminal and pathogenicity domain. Filhal molecular basis pe abhi tak bhi pathogenicity abhi tak jo hai kya hai unknown hai. But how they multiply, viroids multiply in a host, they are dependent on the host metabolism. वो होस्ट के मेटाबॉलिज्म को क्या करेंगे, यूज करेंगे एंड देन दे मल्टीप्लाई सच एज ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द जीन्स एंड द मॉलिक्यूलर स्पॉट दैट स्टडीज क्या कहते हैं कि वायरस आर मोस्टली लोकेटेड इन द न्यूक्लियस ऑफ द होस्ट सेल एंड वेयर दे आर द लोकेटेड इन द न्यूक्लियस ऑफ द होस्ट सेल जो होस्ट होगा उसके न्यूक्लियस में क्या होंगे ये प्रेजेंट होंगे और कैसे एसोसिएटेड होंगे दे आर बाइंड विद द क्रोमेटिन So, when they will associated with the chromatin, so this will enable to the viroids interfere with the host gene expression. So, if agar wo hindrance kar rahe hain host metabolism mein, to jo host ka metabolism hai, wo achche se gene expression nahi kar payega, achche se proteins nahi bana payega. Next hai ki jo viroids ke paas koi bhi apna proteins नहीं होता है इन देयर जीनोम एज वेल एज द ट्रांसमिशन ऑफ द वायरस इज आल्सो नॉट वेल अंडरस्टूड बट इट इज बेस्ड ऑन द इंसेक्ट एंड द फंगल वेक्टर्स नेक्स्ट है हाउ दे मल्टीप्लाई सो वायरसेस को मल्टीप्लाई करने के लिए क्या चाहिए हाई टेम्परेचर चाहिए एंड मोस्टली लाइकली दे हैव अडॉप्टेड टू द होस्ट प्लांट्स सो फास्ट इटली हैज बीन फाउंड टू इनहेबिट ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल एंड दी कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट्स ये उन्हीं प्लांट को इन्फेक्ट करेंगे जो अडॉप्टेड है इन दी ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल एज वेल एज दी कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट में और अभी तक भी मल्टीप्लिकेशन क्लियरली अंडरस्टूड नहीं है बट वायरसेस जो वायरॉइड्स है मल्टीप्लाई करते हैं रोलिंग सर्कल मैकेनिज्म बाई यूजिंग RNA polymerase 2 of host cell. Rolling circle mechanism आगे पढ़ेंगे क्या है rolling circle mechanism as well as the other enzyme that is required for the viroids replication के लिए कौन कौन से चाहिए मैंने ये बता दिया आपको RNA polymerase 2 as well as the RNAs and the RNA ligase is also required. So this is the multiplication. So let's understand कि कैसे मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्टली क्या होगा yes. यही देख लेते हैं लेट्स यहां पे देख लेते हैं फर्स्टली सपोज दिस इज दी नेगेटिव स्ट्रैंड ऑफ दी वायरॉइड्स इट इज अ सर्कुलर इन स्टार्टिंग सर्कल होगा दैट इन्फेक्ट दिस इज द इन्फेक्टेड वायरॉइड्स इन अ प्लांट नाउ व्हाट विल हैपन दिस वायरॉइड्स विल यूजेस द आरएनए पॉलीमरेज टू फॉर्म मल्टीमेरिक नेगेटिव स्ट्रैंड ये क्या था हमारा वायरॉइड्स पॉजिटिव स्ट्रैंड ये क्या था नेगेटिव हमारा नेगेटिव वायरॉइड सर्कुलर वायरॉइड्स था अब ये क्या करेगा आरएनए पॉलीमरेज 2 को यूज करेगा किसके होस्ट के
to form a multimeric positive strand. This is the negative virids. This blue one is a positive strand that is made by the RNA polymerase 2. Now what will happen? This positive strand that is made by the RNA polymerase will be ligated. You should know ki jo RNA hai, this will act as the ribozyme. Jo virids ka RNA hai, jo RNA material hai, that will act as a ribozyme. So it will cleave this multimeric strand into a single. So cleavage by ribozyme viroids. Now single ban jayega hamare paas. After formation of single, it will turn into a rolling. We will have the, this is the negative. So we have the negative strand. Now this will act as a template. Ab ye kya karega hamara? Ye act karega as a template, act karega. Ab this will go into a second round of the rolling sulcur mechanism. Now again it will utilize the RNA polymerase. Of the host cell. अब RNA polymerase क्या करेगा? इसके ऊपर ही क्या बनाएगा? एक और strand बनाएगा. This is your positive. This is negative. Okay, this is positive. Sorry, this is positive strand. Yes, this is also positive. तो हमारे पास ये क्या हो गया? Positive और जिसके ऊपर और नया strand बना, that is your negative. Again same as this will be converted into a single monomers. ये multimeric था, अब ये क्या बन गया? Monomer. Monomers cleavage होंगी, single monomer है. ये हमारे पास बन गया single monomer, that is of the negative strand. It will gain back into the circularization and हमारे पास क्या बन जाएगा? Negative. So this is the rolling sulcur mechanism to which viroids multiply. Again I repeat, we have the viroids that infect the plant and this will be a negative strand. Now this negative strand will use the RNA polymerase of host cell and it will form the multimeric positive strand around the viroids, that is the negative strand. Now this positive strands will be cleaved by the ribozymes viroids and it will form the from multimeric to monomer. This is the monomer and it will undergo into a circularization. After the forming of the circularization, this positive strand again will act as a template and RNA polymerase 2 of the again host cell will form a circular strand around the your positive strand and this will act as now a negative strand. Again this multimeric strand will convert into the monomeric strand and monomeric converted into a circularized negative strand. So this is the rolling sulcur mechanism by which our viroids are multiply. So last we have the how we can control their infection in a plant. So firstly, the control is caused by the, that is the use of viroids free propagating stalk. कि जो भी हम plants use करें, that is the propagation के लिए, वो कैसे होने चाहिए? Viroids free होने चाहिए. Removal and destruction of the viroids infected plants. हमें क्या करना पड़ेगा? Remove करना पड़ेगा and destruct करना पड़ेगा कि viroids जो इन plants हैं infected हैं किससे? Viroids से. और थर्ड चीज कि वॉशिंग ऑफ हैंड्स एंड स्टरिलाइजिंग टूल्स बिफोर
बिफोर वी आर प्रैक्टिसिंग, कि अगर हम लैब में भी हम कोई प्रैक्टिस कर रहे हैं या फिर हम कोई प्लांट यूज, जो प्लांट है उसको हम क्या कर रहे हैं, सॉ कर रहे हैं, तो उससे पहले हमें क्या करना चाहिए, वॉश ऑफ हैंड्स, और जो टूल्स हैं उसको क्या करना चाहिए, स्टरलाइज करना चाहिए, ताकि जो हमारा प्लांट इन्फेक्ट ना हो किससे, वायरॉइड से. सो दैट्स ऑल अबाउट दी वायरॉइड्स. इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट दी योर सैटेलाइट डीएनए के बारे में हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे. थैंक यू, हैव अ नाइस डे.